बच्चे हैं, बच्चे रह जाएंगे, बच्चे तो नहीं रहेंगे, खाने के बगैर रह जाएंगे लेकिन शॉपिंग के बगैर नहीं रहेंगे। शॉपिंग ज्यादा जरूरी है या ईद? ईद ईद ज्यादा जरूरी है या आपको बचाव के लिए ज्यादा थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा? एहतियात ज्यादा जरूरी, हमें मास्क के साथ शॉपिंग करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान तलहा उस्मान के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की एक मार्केट में। यहाँ पर शॉपिंग करने वालों के जोश व खरोश का ये आलम है कि यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। और इसके साथ में एक और चीज़ आपको बताऊँ कि इनसे मैं जानूँगा कि यहाँ पर शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी है या जान, यहाँ जान ज़्यादा ज़रूरी है या माल, या फिर इनसे हम ये भी जानेंगे कि क्या शॉपिंग करने के बगैर आपकी ईद नहीं हो सकती। चले मेरे साथ रहिएगा, इनसे जान लें। जान माल दोनों जा रहा है, जान माल दोनों जा रहा है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शॉपिंग के लिए आए हैं। तो शॉपिंग ज्यादा जरूरी है या जान ज्यादा जरूरी है? दोनों जरूरी है, अभी तो शॉपिंग जरूरी है, जान से ज्यादा, जान से ज्यादा शॉपिंग जरूरी है। तो ईद शॉपिंग के बगैर नहीं हो सकती, नए कपड़ों के बगैर? बच्चे हैं, बच्चे रह जाएंगे, बच्चे तो नहीं रहेंगे, खाने के बगैर रह जाएंगे लेकिन शॉपिंग के बगैर नहीं रहेंगे। बच्चे खाने के बगैर रह जाएंगे लेकिन शॉपिंग के बगैर नहीं रह सकते, ये एक माँ ही जान सकती है। अच्छा, क्या लगता है एहतियाती तदाबीर हो रही है यहाँ पर? काफ़ी बेहतर है, हो रहा है, बेहतर है। मॉल के अंदर तो बेहतर है लेकिन बाहर तो खुले हम सब ऐसे ही घूम रहे हैं सब ओपन। अमूमन ये देखा जाता है कि खवातीन की कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, तो आप लोगों की सारी शॉपिंग कम्प्लीट हो गई? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं रहा, सब हो गया, सब हो गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रहेगा, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। आई स्वेयर टू गॉड, अभी मैं घर पहुँचा 2 घंटे पहले और मुझे घर वालों ने धक्का मारे घर से बाहर फेंका कि जाके शॉपिंग करो। मैं ज़बरदस्ती कह लें कि 2-3 चीज़ें, मैंने कहा मेरी बात से मुझे। शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी है या ईद? दोनों ही यार। शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी है या जान? जान ज़्यादा ज़रूरी है। जान या माल? जान। जान, तो फिर यहाँ एहतियाती तदाबीर दिख रहा है कि हो नहीं रही, क्या लगता है आप? ये देख लें, तकरीबन लोगों को मास्क पहना हुआ, इससे ज़्यादा क्या करें, इससे ज़्यादा। लेकिन तकरीबन मैं 100 में से 10 लोगों ने मास्क पहना हुआ है, बाकी जो 90 हैं वो बगैर मास्क हैं। नहीं, आप नखरे तोड़ा है, मेरे ख्याल में सब ने मास्क पहना हुआ है। मेरे ख्याल में फॉरेन कंट्री है, दुबई वगैरह, ठीक है, इनमें लोगों की शॉपिंग पर कोई पाबंदी नहीं है, मास्क पर कुछ ज़्यादा ही पाबंदी है। और यहाँ पर यह कि शॉपिंग पर पाबंदी है, मास्क पर पाबंदी नहीं है। शॉपिंग पे पाबंदी है और मास्क पे पाबंदी नहीं है, तो क्या लगता है आज जैसे चांद रात है, लॉकडाउन की चांद रात है, आपने अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है या कुछ रह गया? नहीं, ऐसे तो मेरी तकरीबन कंप्लीट है, बीवी बच्चों की थोड़ी सी रह गई है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है। और अगर उनकी ना उनकी रह जाए फिर क्या होगा? ईद के दिन तक किटकिट होगी यार। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।